मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक एनसीपी कार्यकर्ता दीपक भिंगारडीव 63 वर्षीय का कोलसेवाड़ी थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पुलिस ने एक मामले में 24 वर्षीय युवक को उठाया था। जब पुलिस उसे थाने लेकर जा रही थी तो पीछे से उसके पिता दीपक भिंगारडीव भी थाने पहुंच गए। वह यह जानना चाहते थे कि पुलिस ने किस मामले में उनके बेटे को हिरासत में लिया है। कल्याण जोन 3 के पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल ने बताया, जब युवक के पिता पुलिस से बहस कर रहे थे उसी दौरान उनको दौरा पड़ा और वहीं वह गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी सचिन गुंजाल के मुताबिक यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को खुद थाने पुलिस ने मामले की जांच के लिए सीआईडी को सूचित किया और कोलसेवाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में पुलिस उपायुक्त डॉक्टर सुधाकर पठारे ने क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। कल थाने पुलिस आयुक्तालय में ऑल आउट ऑपरेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रकाश प्रीतेश भिंगारडीव 23 years, उसको पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए लाया था। उनके पिताजी दीपक भिंगारडीव 63 years, वो अपने लड़के को पुलिस स्टेशन में क्यों लाया है, इसलिए पुलिस स्टेशन में खुद होकर आए थे। प्रीतेश की इंक्वायरी पुलिस कर रही थी, तब दीपेश भिंगारडीव वीडियो शूटिंग कर रहे थे और पुलिस लोग हम अधिकारियों से झगड़ा कर रहे थे, इसलिए उनको थाना मलदर कक्ष के पीछे बिठाया गया था। थोड़ी देर बाद उनको फिट आई और उसमें वो गिर गए। तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहां पे उनको डेड घोषित किया गया है। तो संपूर्ण प्रकरण की रिकॉर्डिंग पुलिस थाने के सीसीटीवी कैमरे में हुई है, वो प्रिजर्व किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के मार्फत होगा। सीआईडी के ऑफिसर कल ही रात में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में विजिट के लिए आए थे, आगे का इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। इस बारे में जुडिशियल इंक्वायरी की भी ऑर्डर हुई है और इंक्वेस्ट भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उनके सामने हो रहा है।